सबसे पहले तो बहुत सारे टैलेंट को आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अभी, तो क्या प्लान है थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि कैसे क्या होने वाला है, कैसे प्रमोशन स्टार्ट किया है आपने, एक नए ऑफिस में हम आज, थोड़ा बताइए इस बारे में। ठीक है, अभी बेसिकली हम यहाँ पे ऑलरेडी कास्टिंग वास्टिंग्स कर रहे हैं और जो टीम के साथ जुड़ा हूँ वो ऑलरेडी पास्ट 4 साल में 4,000 आर्टिस्ट को कास्ट कर चुके हैं। तो और उसके अलावा फिर बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस भी कराता हूँ मैं, फ़ोटोशूट करवा के और डिफरेंट डिफरेंट वीज़ों के तौर भी करवाता हूँ। राइट, तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। थोड़ा सा बताइए कि अगर आपके पास प्रमोशन करने कोई आता है तो क्या कुछ आप उनको प्रोवाइड करने वाले हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखो कैसा है कि सोशल मीडिया में करवाता हूँ मैं और इन्फ्लुएंसिंग करवाता हूँ, फ़ोटोशूट करवाता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो बाहर के हैं तो उनके साथ टाई अप कराता हूँ और अकॉर्डिंगली फिर कास्टिंग में तो जुड़ा ही हूँ तो कास्टिंग में भी वर्क दिला देता हूँ। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते हैं और टैलेंट्स को। राइट, तो मीडिया प्रमोशन मतलब कैसे होने वाला है उनका, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया उनका प्रमोट करने वाला है, तो बाकी सब चीज़ें कैसे प्रमोट करेंगे? देखो बाकी चीज़ें क्या होता है कि काफ़ी टैलेंट्स है जो बहुत सारे कोई अवार्ड जीत चुका है, कोई इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट कर चुका है लेकिन उनको फ्रेम नहीं मिलता है, तो वहाँ तक मैं पहुँचाता हूँ उनको, मीडिया के थ्रू भी पहुँचाता हूँ और प्लस अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू भी पहुँचाता हूँ मैं। ओके, इसके अलावा अगर आपके प्रमोशन की बात करें, कैसे आइडिया आया कि नए टैलेंट को मतलब चांस देना चाहिए? जैसे हमने देखा कि आप बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ काम कर चुके हैं और बिल्कुल फाइनली जो आपने फैसला किया कि नए नए मॉडल्स को चांस देना चाहिए, क्या ऐसा थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? देखो कैसा है कि कहीं ना कहीं से तो उनको आगे बढ़ना है और अगर और कोई तो कैसा करना नहीं है तो मैं ही कर रहा हूँ डेफिनेटली, और उस तरीके से मीडिया भी मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ और वहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काफ़ी आगे जाने के बाद अच्छी फ्यूचर अच्छी करियर बना लेते हैं। इसके अलावा ये आइडिया कहाँ से आई, कैसे की को? देखो ये आइडिया बेसिकली ऐसे आई मेरे को कि बहुत सारे टैलेंट से जो स्ट्रगल करते हैं और देखा है मैंने, मैं काफ़ी कम से कम 8 साल हो गया मुझे वर्क करते हुए इसमें, तो बहुत सारे टैलेंट ऐसे है कि बहुत टैलेंटेड है लेकिन कोई भी स्कोप मिलता नहीं है, तो मैं एक जरिया बन गया उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उस तरीके से मैं बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ और मुझे लगता है कि वो टैलेंट केपेबल है तो फिर मैं आगे कुछ करता हूँ। तो संपर्क करना हूँ आपसे, कैसे संपर्क कैसे किया? देखो संपर्क करना है उनको तो मेरा ऑलरेडी ऑफिस है यहाँ वीरा देसाई पे कास्टिंग बड़ी करके, तो तुम आप लोग ऑफिस में विजिट कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो, इंक्वायरीज कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, कहीं पर ये होता है कि इंडस्ट्री की बात करो, लेडीज की बात करो, महिला की बात करो, ओके, फेथ नहीं होता, कैसे फेथ कैसे विश्वास करें आपके? देखो कैसा होता है कि बहुत सारे इंटरव्यूज ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, और ऑलरेडी बहुत लोगों को हमने कास्ट किया है तो बहुत सारे लिंक्स भी है और वर्क्स है, तो वर्क बात करता है मेरे हिसाब से। राइट, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे जो आपको हमारी ऑडियंस देख रही है? डेफिनेटली मैं यही चीज़ें बोलना चाहूँगा कि फोकस करो काम पे और अगर कुछ स्कोप नहीं मिल रहा है या कुछ पाथ नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप हमको ज्वाइन कर सकते हो और हम यहाँ से आपको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की है, जैसे हमारा एक्टिंग इंस्टीट्यूट है और हम बाहर जा रहे हैं और बच्चों को और भी स्कोप दे रहे हैं, आउट ऑफ बॉम्बे भी जाके दे रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अंडर वन हाउस बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से। राइट, इसके अलावा कोई फिल्म प्लान कर रहे हो आप अपने हिसाब से? देखो अभी तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ अभी और अभी वो जैसे कंप्लीट होगा तो मैं आगे उसके बारे में कुछ बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच।